लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है धीरे धीरे पटरी पे आ रही है, जैसा बाबा ने बताया कि इनका जो पहले बिक्री होती थी बिक्री काफ़ी कम हो गई है। लोगों से अपील करेंगे जो भी परचेज करते हैं, और आजकल वोकल फॉर लोकल का एक कैंपेन चला हुआ है, उसमें ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए। अच्छी बात है कि शासन से इनको जो विकलांग पेंशन है उनको हर महीने जो हमारा धनराशि है एक अलग से असिस्ट करने के लिए मिलता है। जो इनका साइकिल का इनका जो खराब हो गया है उसके लिए अभी विकलांग कल्याण अधिकारी से हमने रिक्वेस्ट किया है, एक उनको नई साइकिल दिलवा देंगे। और उम्मीद है कि धीरे धीरे जो चूंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्टार्ट हो रही है इनकी भी बिक्री पहले तरह होने लगे ताकि अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकें। लॉकडाउन से परेशानी है कि धंधा पानी बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन से पहले जो भी पैसा हमने किताब का रखे थे वे हमने खा गया। दुकानदारी भी कम हो गई है, माल की कमी है। अब बिजली का बिल इतना चपा हुआ है कि मैं दे नहीं पाया हूँ। 12 किलोमीटर आना और 12 किलोमीटर जाना पता है, एक पैसे की बहनी पता नहीं हो पाती है। कभी होती है कभी नहीं होती है।